अजरबैजान स्टूडेंट वीज़ा और उसके प्रोसेस, PRC, नोटरी, ट्रांसलेशन, कोपचा, एडमिशन्स, पाकिस्तान से कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगी, क्या क्या चीज़ें अटेस्ट करनी होंगी, वैक्सीनेशन कौन सी चाहिए होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अजरबैजान के स्टूडेंट वीज़े के हवाले से डॉक्यूमेंट्स और उनकी क्या प्रोसेस है, क्या तरीक़ेकार है सबमिट करने के, नोटरी के और ट्रांसलेशन के और कोपचा वगैरह, TRC, XYZ, सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। पिछली वीडियो जो बनाई थी तो उसमें भी मैंने काफ़ी डिटेल दी थी, मगर कुछ दोस्तों को समझ नहीं आई और वो कह रहे थे कि भाई हमें डिटेल में बताओ, और ये कि डिटेल में बताने से ये कि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि पूरा प्रोसेस पाकिस्तान से लेकर अजरबैजान तक जो आपका टोटल कॉस्ट और जो तरीक़ेकार होगा, मैं आपको सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान से आपको क्या क्या चीज़ें लाजमी आपके साथ होनी चाहिए जो आप अपने साथ कैरी कर सकें और कैरी करके यहाँ लाएँ, कि जब आप अजरबैजान आएंगे तो यहाँ पे ना आपका ट्रांसलेशन होगा ना टेस्ट होगा। जब आपकी जो सनद होगी मैट्रिक की या इंटर की, इंटर होगी तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, मैट्रिक होगा तो उसमें थोड़ा इशू होगा, मैट्रिक में थोड़ा इशू होगा। तो जब आप पाकिस्तान से आ रहे होंगे तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी प्रिपेयर करनी होंगी उनमें ये है, पहले वैक्सीन कार्ड, अपनी मैट्रिक और इंटर की जो है सर्टिफिकेट अटेस्ट वेरीफाई और मोफा से अटेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, ये लाजमी होनी चाहिए। इसके अगर अटेस्ट नहीं हुई तो इसके बगैर अजरबैजान में आपका एडमिशन नहीं होगा और वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये तो होगी जो आपको पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट्स लाजमी हैं वो कंप्लीट हो गई। तो अब आप अजरबैजान किस तरह आएंगे, जारी बात आपको लेटर लाजमी चाहिए होगी। जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे पोर्टल में तो वहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी लोग भी हैं जो आजकल लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो एजेंट्स वगैरह आजकल हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से आकर पाकिस्तानियों को ही लूटते हैं, इंडिया वालों को लूट रहे हैं, बांग्लादेशी बांग्लादेशियों को, श्रीलंकन श्रीलंकन को, तो हर किसी के अपने लोग जो हैं एक दूसरे को लूट रहे हैं और कह रहे हैं हुक्मरानों को कि हुक्मरान ऐसे हैं वैसे हैं। तो पहले हम खुद को देखें कि हम क्या कर रहे हैं। तो चलो, वीडियो लंबी हो जाती है तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जब आप अजरबैजान आने के लिए होंगे तो आपको जाहिर बात है एयरपोर्ट पे रोकेंगे कि आपके पास इनविटेशन लेटर है, यूनिवर्सिटी का लेटर है। तो जब आपके पास लेटर नहीं होगा तो आपको फ्लाई करने देंगे ही नहीं, तो इससे बेहतर है कि आप अपने यूनिवर्सिटी में कॉन्टेक्ट करें, उससे बातचीत करें, उनसे कॉन्टेक्ट करें, उनसे रबते में रहें जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। और अभी यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन जो हैं फ़िलहाल तो ऑफ हैं, मगर कुछ एजेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ओपन है, हो भी सकते हैं ओपन हो, मगर ऑलमोस्ट क्लोज हैं, जो हैं दिसंबर या जनवरी के बाद ही ओपन होंगी। जब पाकिस्तान से फ्लाई करके अजरबैजान आएंगे तो आपको सबसे पहले आपका जो है हॉस्टल, रहना, खाना पीना, ये सब चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। स्टार्ट में थोड़ी सी मुश्किल होगी स्टार्टिंग में, आप सर्वाइव कर लेंगे अगर आपको वाकई कुछ करना है बगैर टाइम पास के। जब आप यहाँ आएंगे तो आपका टोटल कॉस्ट जो होगा मिनिमम आपका एडमिशन, ट्रांसलेशन, नोटरी, कोपचा सब मिला के आपके अपने हाथ से जो आप सबमिट करेंगे वो $1200, $1250 ऑलमोस्ट इतना ही। हाँ, अगर आप एजेंट की तरफ जाते हैं तो $1500, $2000, $2500, यहाँ तक भी कहानी जा सकती है। अब आपके अपने ऊपर है, जब मैं गया था तो मुझे भी बहुत से लोगों ने ऑफ़र की थी कि आप हमें इतने दे देते हो आपका एडमिशन हो जाएगा, आपका सारा जो है TRC वगैरह सब कुछ बन जाएगा, मगर मैंने नहीं किया क्योंकि बिला वजह फजूल में इतने पैसे क्यों देने, जब काम ही 2-2.5 लाख रुपए में हो रहा है तो हम क्यों 5-6 लाख रुपए एक्स्ट्रा दें। तो ये सोचने वाली बात है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतनी तो कॉमन सेंस हर किसी इंसान में होती है, तो आप में तो ऑलमोस्ट होगी, तो ज़रा खुद सोचिए इस बारे में। हाँ, अगर आपको मेरी तरफ से कुछ हेल्प चाहिए, अगर कुछ पूछना है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो आपको क्वेश्चन पूछना है या कुछ मालूमात लेनी है या इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपकी करूँगा। इसमें मुझे कोई इशू नहीं है कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ना दूँ, क्योंकि पहले के लोग जो एजेंट थे
जो लोग थे 5-5, 6-6 साल से वहाँ थे, वो लोगों को लूट रहे हैं, अपने ही लोगों को, पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। अभी अगर आप फेसबुक में मैसेज कर दें, अगर पोस्ट कर दें, ग्रुप्स बहुत बने हुए हैं अजरबैजान के ग्रुप में पाकिस्तानियों की, अगर आप वहाँ एक मैसेज कर दें कि मुझे एडमिशन चाहिए, तो आपको हज़ारों मैसेजेज आएंगे। डीएम कर लें, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, टीआरसी को वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। जबकि आप उनसे अगर रब्ता कर लें, अगर आपने पैसे दे भी दिए पूरे, मगर वो आपका यूनिवर्सिटी में जो है पूरे पैसे पे नहीं करते, वो हाफ पे करके यूनिवर्सिटी में आपका बैलेंस रख देते हैं कि जब आप यूनिवर्सिटी में आएंगे तब आपको यूनिवर्सिटी बोलेंगे आपके तो इतने बकाए हैं, मगर आपने पहले से ही सारी पेमेंट कर दी होती है, मगर एजेंट्स जो है आपको पता है आपको गोल गोल घुमाता है। और कुछ लोगों से तो अभी कल मुझसे किसी ने बात की, तो उससे 20 लाख रुपए मांगे सिर्फ अजरबैजान आने तक और एडमिशन वगैरह के। तो 20 लाख कहाँ की अकलमंदी है कि एक एडमिशन और एक ऐसी कंट्री जिसका वीज़ा भी इतना ईजी मिल जाता है ऑनलाइन और सस्ता, ठीक है। हमारे के लोगों को आराम खाने की आदत हो गई है, बैठ कर खाने की आदत हो गई है लोगों को, तो लिहाजा इनसे बचें। अगर आपको कोई सी भी कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी, चाहे वो टीआरसी की हो, चाहे वो कोपचे की हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, कुछ भी, जो भी ऑफिस, जो भी इदारे, जो मुझे पता है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ऐसी वैसी बातें नहीं, जो चीज़ें मैंने फेस की हैं वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आज। ये बातें आपको कोई नहीं बताया क्लियरली, क्योंकि लोग आपको घुमाते हैं गोल गोल, और लोगों का काम है आपको घुमाना और आपसे अर्निंग करना, आपसे पैसे बटोरना। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप उनसे लोगों से बचें जो ऐसे ही जो आपको बोलते हैं कि हम कर देंगे आपका काम वगैरह वगैरह। होगी, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद होगी। अगर कुछ समझना है तो आप कमेंट करें, मेरी आईडी इंस्टा की मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ें रिक्वायर होंगी, मैं आपको सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।